हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे आईफोन के बारे में। तो क्या वजह है कि लोग आईफोन ही खरीदते हैं, और ऐसा तो क्या है उसके अंदर कि लोग आईफोन की तरफ आकर्षित होते हैं। और फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्या आईफोन डिवाइस खरीदना चाहिए या एंड्रॉइड डिवाइस खरीदना चाहिए, और इसमें से सबसे अच्छा डिवाइस कौन सा है वो भी आज हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आज हम देखेंगे कि आईफोन 12 प्रो के फीचर्स के बारे में। और गाइस, ये मैं बता देता हूँ कि ये फोन 5G होगा। तो दोस्तों, क्या होगा इस फोन की स्पीड और ये बाकी के फोन के मुकाबले ये फोन कैसा होगा? और दोस्तों, एप्पल ने जो मिनी होम पे रिलीज किया है, तो क्या होगी उनकी प्राइस और इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस, लोग आईफोन ही क्यों खरीदते हैं? दरअसल दोस्तों, ये बात है, आज के समय में आईफोन का बहुत ही ज्यादा क्रेज है, और इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा क्रेज है, और होना भी चाहिए क्योंकि बाकी फोन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और दोस्तों, आईफोन 12 की प्राइस की कंपैरिजन कर वही डिवाइस से करें तो बहुत ही हाई है। और गाइस, आप में से कुछ लोग आईफोन यूज करते होंगे, तो आप में से कुछ लोगों को ये पता होगा कि आईफोन कितना स्मूथ चलता है। और दोस्तों, एंड्रॉइड मोबाइल को देखिए, वो कुछ ही महीनों में हैंग होने लगता है, चाहे वो ओप्पो हो, वीवो हो, एमआई हो या कोई भी मोबाइल हो। और दोस्तों, आप एंड्रॉइड मोबाइल के कंपैरिजन में देख लीजिए आईफोन को, और लाइफ टाइम तक स्मूथ ही चलता है, और आईफोन में कभी हैंग होने का ऑप्शन रहता ही नहीं है। और गाइस, आपने देखा ही होगा कि कई एंड्रॉइड मोबाइल में फालतू ऐप आते हैं, जैसे कि रैम बूस्टर, फोन क्लीनर और कई सारे फालतू गेम्स। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि सारे ऐप का हमें क्या काम है? और आपने ये देखा ही होगा कि हाल के टाइम के मोबाइल आपके लैपटॉप और कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज हो गए, तो बोला रैम बूस्टर जैसे ऐप की हमें क्या जरूरत है? तो दोस्तों, उसकी वजह है कि चीनी कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना होता है। और गैस, आप इंडियन सिटीजन को देख ही लीजिए, इन फालतू ऐप को चलाकर भी देखेगा। और गैस, इन फालतू ऐप को चलाने से आपका प्राइवेट डेटा चीनी कंपनियों के पास चला जाता है। और दोस्तों, आप आईफोन में देख ही लीजिए, आपको एक भी फालतू ऐप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों एप्पल कंपनी अपने कस्टमर का प्राइवेट डेटा सेफ रखता है, वो प्राइवेट डेटा को कभी लिंक होने ही नहीं देता। तो सिर्फ इसी वजह से आईफोन डिवाइस महंगे आते हैं। तो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। फ्रेंड्स, हाल ही में यानी कि 30 अक्टूबर 2020 में एप्पल ने आईफोन 12 को लॉन्च किया है, और साथ ही साथ एप्पल ने एक मिनी होमपॉड भी लॉन्च किया है। पर दोस्तों, उससे पहले हम आईफोन 12 के फीचर्स के बारे में देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम पहले बात करते हैं आईफोन 12 मिनी के बारे में। तो दोस्तों, आईफोन 12 मिनी की जो स्क्रीन है वो है 5.4 इंचेस की, और ये फोन आईफोन 7 आईफोन 8 से भी छोटा है। और फ्रेंड्स, इसकी कैमरा की बात करें तो वह 12 मेगापिक्सल का, और इसका वेट के बारे में बात करें तो वह बेहद ही ज्यादा लाइट वेट होगा। और अभी यहाँ पर आईफोन 12 के बारे में बात करें तो उसका कैमरा भी सेम ही है। और दोस्तों, उसकी बॉडी की बात करें तो पूरी तरह से एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। और दोस्तों, आईफोन एक नया मटेरियल से बनकर आया है, जो कि है सिरामिक शील्ड। और दोस्तों, इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की बहुत ही अच्छी है। और अब बढ़ते हैं आगे आईफोन 12 प्रो की ओर। तो दोस्तों, आईफोन 12 प्रो की स्क्रीन की बात करें तो वो है 6.1 इंचेस, जो कि आईफोन 12 से मिलती जुलती है। और इस बार एप्पल ने अपना फोन 4 कलर्स में प्रोवाइड किया है, जो कि गोल्ड है, ग्रेफाइट है, सिल्वर है, और एक नया भी है पैसिफिक ब्लू। और दोस्तों, यहाँ पे ऐसे 5 कलर अवेलेबल है। अब यहाँ पर जो प्रो वाला मोबाइल है ना, वो कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है। इसका जो कैमरा है वो यहाँ पर बढ़ गया है। दोस्तों, पीछे की तरफ 3 कैमरा मिलता है, और इसके अलावा एक लाइट डायोड सिस्टम भी अवेलेबल है, जो कि लो लाइट में भी ऑटो फोकस करेगा, और जो आपके आसपास का सिनेरियो है वो भी आप अच्छी तरह से स्कैन कर पाओगे, जो कि है 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा। और इस बार जो नाइट मोड है वो सभी कैमरा से आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये है पूरा कैमरा की सेटअप की कहानी। सो गाइस, अब बात करते हैं 5G फीचर्स की। तो दोस्तों, आपको जो डाउनलोड की स्पीड मिलती है वो बहुत ही फास्ट होगी, जो आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो ये है दोस्तों आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स की कहानी। अब बात करते हैं बॉक्स की। तो यहाँ पर एप्पल आपको बॉक्स में सिर्फ एक मोबाइल और एक यूएसबी केबल ही मिलेगा, बाकी की चीजें जैसे चार्जिंग, ईयरफोन, वो आपको अलग से परचेस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं एप्पल के चार्जिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में चार्जिंग मिलेगा, यानी कि उसके पीछे कुछ इस तरह से चिपक जाएगा। तो दोस्तों, अब आते हैं एप्पल होम पॉड पर, जो कि 13 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था। और उनकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये यहाँ पर बहुत ही एडवांस है, और उनके साउंड की बात करें तो उनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, यानी कि आप 5 मीटर दूर से कमांड देंगे तो वो भी वो कैचअप कर लेगा। तो दोस्तों, ये है आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो एंड प्रो मैक्स अबाउट इन्फॉर्मेशन। एंड डू यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, एंड वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। सी यू अगेन।